सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंदर ऐसी क्या वस्तु है जो काम की है, बताओ? आप यहाँ इतने बैठे हैं, शरीर के अंदर ऐसी क्या वस्तु है, कोई भी वस्तु जो काम की हो? एक भी वस्तु काम की नहीं है, सब बेकार। अच्छा, उदाहरण से आप आंख में हाथ लगाओ, गंदगी आ जाएगी, तो क्या वो आंख का हाथ भगवान से लगा सकते हो? तो आंख बेकार। आप कान में हाथ डालो, कान की गंदगी आ गई, क्या कान के उस हाथ से आप भगवान को हाथ लगा सकते हो? कान बेकार। आप नाक नासिका में हाथ लगाओ, नासिका की गंदगी हाथ में आ गई, नाक भगवान को हाथ लगा सकते हो, प्राण को छू सकते हो? बेकार। आप मुंह में हाथ लगाओ, कुछ अच्छा नहीं, अंदर का रक्त बाहर गिर जाए, वो हाथ लगती तुरंत हाथ धोया जाता है। ऐसा शरीर में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। देहस्ति मांस रुदरी भीमतिम तेजत्वम, इस शरीर में हड्डियों का ढांचा बनाया गया, मांस से इसको मारा खड़ा किया गया, और कहते हैं इसमें रुधिर की जो है पुताई कर दी गई, ऊपर से चमड़ी की लेपन कर दिया गया, और कुछ नहीं है इसमें। जाया सुता, पत्नी से बच्चे से हमारा प्रेम हो जाता है, ये मेरी बेटा है, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, यही ममता, यही बंधन का कारण है। पिताजी आत्मदेव जी को गोरखकंठ जी उपदेश दे रहे हैं, आपने इनको अपना मान लिया है, और अपना जहां मान लो वही कष्ट का कारण हो जाता है। अच्छा, रोज अखबार पढ़ते हैं आप, रोज पढ़ते हैं ना, आज कोरोना से कर्नाटक में 400 लोग मर गए, चाय की चुस्की पी, राम 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 राम, कोई दुख हुआ आपको? क्योंकि आपके तो है ही नहीं ना वो कुछ। आज महाराष्ट्र में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो गई, और महाराज पराठे अंदर जा रहे हैं, क्योंकि आपकी उनमें ममत्व नहीं है, उनमें कोई लगा भी नहीं है, और कहीं आपको मालूम पड़ गया कि आपके साले साहब को कोरोना हो गया है, चाहे उनको शरीर से कुछ नहीं पर कोरोना नाम हो गया है, तो गारंटी वो आपको भोजन अंदर चला जाए। यही यही दुख का कारण है पिताजी। हम बच्चे को अपना मान लेते हैं, बच्ची को अपना मान लेते हैं, पति को अपना मान लेते हैं, पत्नी को अपना मान लेते हैं, यही बंधन का कारण होता है, यही ममता बंधन का कारण होती है। इसलिए पश्यानिसं जगदिदं, हे पिताजी, ये संसार क्षण भर का है, जैसे पानी का बुदबुदा होता है ना बरसात में, कहां तक जाए कोई समय निर्धारित नहीं है, कब फूट जाए कोई समय निर्धारित नहीं है। कल काल उठाए लिए फिरता तन नम्र है चोट झली न झली, भजले हरि नाम हरि रसना रे अंत समय में हिली ना हिली। इस शरीर का कोई पता नहीं, आज यहां बैठ के आपसे भगवत चर्चा कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या नहीं, कोई रात में मालूम पड़ता है एकदम स्वस्थ बढ़िया सुंदर, और प्रातः काल मालूम पड़ा वो तो है ही नहीं, समाप्त हो गए प्रेम जो बोलो राधे राधे। पिताजी इस शरीर ही ऐसा, इसलिए बैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, संसार से बैरागी हो जाओ और भगवान का भजन करो। इतना सुंदर उपदेश दिया, क्योंकि संत जो होते हैं ना गुरु होते हैं, और जब संत मिल जाता है तो मन पे आनंद ही आनंद हो जाता है।